मर गई तेरी दुश्मन और मेरी जरूरत। क्या क्या बोल रही हो तुम? मैंने ये कहा कि मर गई मिर्चा, फेंक दिया मैंने उसे पहाड़ के नीचे, दे दिया धक्का। मन तो बहुत था कि उसे जिंदा रखती और ऐसा सबक सिखाती कि मेरी बाड़ी में कोई भी लड़की बगावत करने से पहले दिदुम को जरूर याद करती। कलेश चैनल पर आ रहे सीरियल नीजा में देखने को मिलने वाला है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। बढ़ चुकी है एक बार फिर से नीजा और अबीर की मुश्किलें। इनकी शादी क्या हुई भाई, जब से ही हम दोनों की जिंदगी में मुश्किलात देख रहे हैं। हालांकि नीजा की जिंदगी में तो इससे पहले भी चल रहे थे, अब नीजा की शादी अबीर से हो चुकी है और नीजा कुछ जीवन में बड़ा करना चाहती है। पर कोई बात, अब मर गई नीरजा, मिलेंगे दोनों माँ बेटी ऊपर आसमान में। अब तू जान छोड़ेगी मेरी? दादा दादा गोदी हाथ दीजिए। वकील बनना चाहती है और इसलिए वकालत की उसे पढ़ाई करनी है। अब वकालत की पढ़ाई के लिए उसे एडमिशन चाहिए। अब उसे एडमिशन चाहिए तो उसके लिए उसे देना होगा एग्जाम। एग्जाम की तैयारी नीरजा बड़े अच्छे से कर रही है, अबीर भी उसका साथ दे रहा है। त्रिशा कभी ब्लास्ट कराती है, कभी कुछ कर रही है, कभी कोई प्लानिंग ताकि नीरजा एग्जाम ना दे पाए। और अब त्रिशा जो है एक दिदून के साथ प्लान बनाती है। दिदून का मकसद ये है कि नीरजा अगर वकील बन गई तो ना जाने बाड़ी में कितनी लड़कियां हैं जो नीरजा की तरफ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आगे आएंगी। तो दूसरी तरफ त्रिशा चाहती है कि नीरजा और अबीर अलग हो जाए। आने वाले एपिसोड में अभी नीरजा को लेकर एग्जाम के लिए जा रहा होता है, अचानक से एक प्लान बनाया गया होता है कि वहां पर अबीर की गाड़ी के सामने कोई गिरा पड़ा होता है और अबीर उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, उल्टा वो अबीर को ही बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ से जब नीरजा आती है तो नीरजा को ये लोग किडनैप कर लेते हैं। अब अबीर को जब तक होश आता है तब तक तो नीरजा को किडनैप करके ले गए। अब नीरजा तो अबीर को देख पा रही है लेकिन अबीर को नहीं पता उसकी नीरजा कहाँ है और यहाँ पर ये सब कुछ दिदून का किया धरा है। दूसरी तरफ अबीर ने पुलिस बुला ली है, जो भी उसके सोर्सेस थे सबको बुला लिया है कि मेरी बीवी को ढूंढवाओ। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।